हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आफ्टर सो लॉन्ग टाइम अपने चैनल पर दोबारा अपनी गाड़ी की वीडियो आज या कल में डल जाएगी। बहुत टाइम से मैंने स्कॉर्पियो की वीडियो डाली लगा था, आप देख सकते हो किया सेल्टोस और बाकी अदर्स हम कार की वीडियो डाल रहे हैं सिर्फ अपनी गाड़ी की। तो भाई आज का वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो ये है कि देखो जैसे 2024 चल रहा है तो आज के टाइम में बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग होती है इस वेरियंट पर आने के लिए कि हमें इस पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए या फिर इसके जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और एज अ ओनर मुझे कैसे लगता है और मेरे से कोई पूछे इस गाड़ी के बारे में क्या वो उस गाड़ी पे स्विच करे ना करे तो मैं एक जेन्युइन आपको पूरा एक रीज़न बताऊंगा आपको इस गाड़ी की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो मैंने इस चैनल पे इसका स्पीकर्स के वीडियो डाल रखी है, इसके रिव्यू कर रखा है मैंने और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव सब बता रखा है कम्प्लीट गाड़ी के बारे में। आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो आपको और नॉलेज चाहिए तो। बाकी आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए 2024 के अंदर या नहीं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात को ये है कि स्कॉर्पियो जो है आप एक बात समझो उसका जो मार्केट है ना वो अलग है। ये गाड़ी काफ़ी टाइम से आ रही है और अब तक इसका कोई कॉम्पिटिशन आया नहीं है। आपको पता है जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती थी अपनी पहले वाली भाई वो भी अभी बंद नहीं किया महिंद्रा ने क्योंकि वो जो गाड़ी है इनका क्लास अलग बना हुआ है और मेंटेन कर रखा है उन्होंने अब तक क्लास जो है और जो इसके ओनर्स है ना वो मतलब इसमें कितना भी आप फीचर्स हटा दो या मत दो वो वाली हिसाब में मतलब उनका जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छी बन चुकी है आज के टाइम में। हालांकि जब ये स्कॉर्पियो जब एन आई थी तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा था मार्केट में क्योंकि गाड़ी को ऑल ओवर लुक्स चेंज कर दिए बट जब लोगों ने जेन्युइन इसको चलाया गाड़ी को फील किया उसके बाद उनका जो POV वो चेंज हो गया। लोग बोलते हैं इसका पीछे का लुक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा वैगनर टाइप लगता है। कोई बोलता है कि भाई वॉल्वो की सेम ऐसी लाइट्स होती हैं मतलब काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है इसके पीछे का लुक जो है और थोड़े से फीचर्स कह लो। तो भाई सिंपल सी बात है आप आके टाइम कोई भी कार उठा लो कोई भी, इनफैक्ट टोयोटा हाइलक्स है उस तक में प्रॉब्लम आ रही है उसके फीचर्स में। जबकि टोयोटा वाली गाड़ी थी तो मेरी जो एक वो था ना कि भाई माइंड के अंदर कि टोयोटा की गाड़ी रिलायबल है उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। भाई आपको अगर जानने किसकी हाइलक्स खराब है तो इंडिया के मोस्ट फेमस अभी जो बंदा चल रहा है इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया भाई उनका आप वीडियो जाके देख सकते हो। भाई की जो हाइलक्स है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शायद वो इतना फ्रस्ट्रेट होगा ना अपनी गाड़ी ना बेच दे मुझे ये लग रहा है। मतलब आपने इतना पैसा खर्च किया उसके बावजूद भी आपको वो सब चीज़ें देखने मिल रही हैं तो कोई मतलब नहीं है। भाई अपन टॉपिक वापस आते हैं, बाहर हुई है बहुत ज़्यादा आवाज़, चलते हैं अंदर की तरफ। तो ऐसे कोई 20 से 25 लाख रुपए का बजट लेके चल रहा है ना अपना और उसको अगर उसकी जो नीड उसकी भाई अगर नीड ये है कि मेरे को थोड़ा ऊंची गाड़ी चाहिए और मतलब ऐसी गाड़ी चाहिए जो मैं पहाड़ वगैरह पे लेके आ सकूँ, फैमिली कार चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से ना उसके बेस्ट कार यही रहेगी स्कॉर्पियो। बाकी इसके सेगमेंट्स में काफ़ी सारे जो कार्स आती हैं आपकी, मैं कहा महिंद्रा की बात ना करूँ और कार्स की बात करूँ अरे वो क्रेटा वगैरह से तो कॉम्पिटिशन है नहीं, वो छोटी कार पागी आपकी क्रेटा वगैरह में जीप कंपास आप ले सकते हो। कंपास जो है थोड़ा ओवर प्राइस कार है, 30 लाख के समथिंग तक जाती है वो, उसमें मेरे को वो चीज़ फील नहीं होती जो उसमें फील होती है। लाइक जो आप चलाते हो ना सब कहीं भी ऑफ रोडिंग कर लो मतलब दगड़ के चलती है बिल्कुल और जो पिकअप है ना उसका वो तो कोई तोड़ नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी आप डीजल में लेना ही प्रेफर करोगे, जो पेट्रोल में लेगा भाई उसके सोच ही अलग है क्योंकि इतनी बड़ी कार तो मैं तो कभी एक्सपेक्ट ना करूँ कोई कि डीजल मिले वो सॉरी पेट्रोल मिले, सबको डीजल मिलनी चाहिए। अभी लगभग मैंने कार चला चुकी है अपनी 6932 किलोमीटर, थोड़ा जीव लड़खड़ा गई मेरी, 6932 किलोमीटर अपनी कार चली है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई कितनी कम चली है, मैं उसका आपको एक रीज़न बता दूँ। एक्चुअली गाड़ियाँ अपने घर पे खड़ी रहती है भाई और जो दूसरी गाड़ी है वो ज़्यादा चलती है इंडस्ट्री वगैरह में तो उसको कम ही चलाते हैं और कभी कभार ले गया तो मैं ले गया हूँ वो वाला सब है भाई, तो इसलिए गाड़ी आपकी इतनी कम चली। बाकी अभी जैसे मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर कहीं ट्रिप का प्लान बनता है तो ये 10,000 समथिंग टच हो जाएगी, इतना मेरे को यकीन है, वरना घर पे खड़ी रहती है ज़्यादातर। तो 2024 में आपका अगर वही सेम 25 लाख का बजट है और आपको ऐसी तगड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें मतलब जिसके लुक्स भी सही हो, लुक्स भी अच्छे हैं उसके और उसकी पावर वगैरह भी अच्छी हो, जैसे इसका 2200cc का इंजन है डीजल इंजन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, मज़ा आया था चला के इसको, तो आप स्कॉर्पियो की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा और कम्फर्ट चाहिए और फीचर्स सारा चाहिए जीप कंपास की तरफ स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई मैं तो स्कॉर्पियो ओनर हूँ और स्कॉर्पियो लवर हूँ और अपन ने शुरू से ही मतलब ऐसे फॉर्चुनर हेक्टर टाइप कार चलाई है, तो अगर 25 लाख के बजट में सोचूँ तो मतलब स्कॉर्पियो ही बोलूँगा पक्का।
और तो इसलिए मैं स्कॉर्पियो स्विच किया। एक दिक्कत जो ब्लैक कलर में ये है कि भाई ब्लैक कलर की वजह से गाड़ी अपनी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अंदर से, तो ऐसे कहीं धूप वगैरह में खड़ी करता हूँ ना और 3-4 घंटे के लिए मैं गायब हूँ, वापस आऊँ अपनी कार के अंदर बैठो तो पूरी गाड़ी अंदर से उबल जाती है, तो मेरे को ना इसके जो ये वाले फीचर है ना ये यूज़ करना पड़ता है। ये देखो, ताकि भाई थोड़ी जो हवा के वो बाहर निकल जाए और मैं आराम से अंदर बैठ सकूँ। और देखो इसके लुक्स की बात करें, लुक्स में कोई तोड़ नहीं है, आगे से पीछे से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अब बहुत लोगों को पीछे से ना पसंद आती है, बट मैं बताऊँ ना, एक आप सही से देखोगे ना मेरे POV से, तो मेरे को पूरी गाड़ी पसंद आती है भाई, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें आपको जो उसके एलो व्हील्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, मतलब इसके जो ये जो कलर भी लगता है ब्लैक ग्लॉसी हल्का हल्का, ये काफ़ी से लगता है आपको। उसमें चारों ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं, दो आगे दो पीछे, और तो भाई क्या ही लोगे, और 70 इंच का आपको उसमें टायर मिल जाते हैं। अब वाले में तो 18 इंच के आपको टायर मिलते हैं। एक्चुअली ये जो मेरी गाड़ी है 2023 मैन्युफैक्चर्ड है, 2024 नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने ये ली थी 22 जनवरी को स्पेशल डेट पर, वो तो कभी मतलब वो डेट ऐसी है भाई अनफॉरगेटेबल, कभी भूल सकते हैं उसको, वो डेट कभी भूल भरा नहीं जा सकती, इतनी प्यारी डेट है जब कार ली थी अपने लोग। बाकी आपको फीचर्स की बात करें भाई, जो फीचर्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं आपको, सनरूफ मिल जाती है छोटी सी, जिसमें आपको भी शो भी हो रहा है कि भाई चेक सनरूफ, सनरूफ तेरी ओपन है उसको दिखा रहा है। बाकी इलेक्ट्रिक आपको स्टीयरिंग मिल जाता है इसमें, और सीट कंट्रोल की बात करें तो वो भी आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है ड्राइवर साइड में, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने इसको जो सीट्स हैं बहुत ज़रा उठा रखी ऊपर तक अपने, मेरे को फिर भी ना ये जो इसकी रूफ है ना वो भी टच नहीं हो रही सर से मेरे। और भाई फीचर्स दिखाएं आपको, तो यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिल गया, पैसेंजर साइड में आपको हाथ से ही वही ओपन करना पड़ेगा, वो वाला हिसाब है इसमें। और बाकी इसमें आपको ड्यूल एसी मिल जाते हैं अंदर की तरफ, अपनी गाड़ी 4x4 नहीं है तो उसमें आपको कोई भी मोड्स नहीं मिलते। बाकी हाँ अगर ड्राइव मोड की बात करें ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तो आपको यहाँ पर ड्राइव मोड का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आपको जिप जैप जूम मोड मिल जाते हैं। एक मिनट तो भाई आपका आ चुका है जिप जैप जूम मोड, जिप में लगाओगे तो ये आपका सिटी मोड एक्टिव हो जाएगा। ये देखो बिल्डिंग्स वगैरह हो रही है, तो उसमें काफ़ी सही आपको मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको गाड़ी भगानी है तो सबसे आप कोई भी मोड सेलेक्ट करके भगा सकते हो, जिप में वैसे कम भगती है जितना मैंने भगाया इसको सबसे। बाकी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको लाइट मिल जाती है देखने के लिए, क्योंकि रात के टाइम आपको बड़ी मदद करेगी भाई, अभी इसकी लाइट जल्दी नहीं है, थैंक यू महिंद्रा इज महिंद्रा। ओके तो ये इसका भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम, छोटा सा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है इसमें, जो कि भगवान भरोसे है, कभी कभी लैग करता है, कभी कभी नहीं करता, कभी कभी बहुत से चलता है, कभी कभी बिल्कुल खराब हो जाता है, खराब इन द सेंस मतलब काम नहीं करता ठीक से भाई, खराब तो क्या बोलूँ मैं। बाकी आपको उसमें बटन मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड। अब देखो पर्सनली मैं बताऊँ ना, शुरू शुरू में मैं देखी थी तो गाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी भाई इसका इंटीरियर वगैरह, पर जैसे जैसे टाइम होते आ रहे हैं उस हिसाब से ना मेरे को ये चीज़ थोड़ा बेकार लग रही है, कि बहुत छोटी सी स्क्रीन दिया, अगर हल्की सी प्रीमियम नेस वाली स्क्रीन देते हैं या फिर कुछ इसमें अलग करते हैं, कुछ कट्स वाले दे देते, तो बिल्कुल तो मेरे हिसाब से ना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इसमें और ज़्यादा, बट नहीं किया तो मेरे हिसाब से ना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इसमें और ज़्यादा बट नहीं किया ये इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ऐसा कुछ आपको उसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। पीछे वाली सीट्स हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है उसमें, और हमने थोड़ा एक्सेसरीज में इसमें अलग पार्ट्स भी ऐड करवा रखे थे ये सब, तो ऑल ओवर जो उसका इंटीरियर वो भी अच्छा है। मतलब जैसे मेरे पास जो की आगे बाहर, तो ये जो उसका साउंड है वो बीप करता है। अभी पीछे वाली सीट्स की बात करें तो काफ़ी सही स्पेस मिल जाती है उसमें। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी भाई, लगेज मैंने यहाँ तक रखा था अपनी गाड़ी में यहाँ तक, और पूरी गाड़ी फुल हो गई थी, बट कोई दिक्कत कुछ नहीं, आराम से सारा सामान आ गया इसमें। कम से कम 6 तो कार्टून थे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। यहाँ से कोटा से मैं मथुरा गया था उसको लेके, काफ़ी लंबा सफ़र था वैसे तो, यहाँ से रायपुर से कोटा, कोटा से मैं फिर गया था मथुरा, वहाँ से सामान बहुत सारा लोड करके ले गया था। और चीज़ लुक्स ये बस कार की तरफ डेफिनेटली जा सकता है, जैसे थोड़ा ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो जीप कंपस की तरफ ले सकता है, बट मैं तो ये कहूँगा भाई, सजेस्ट करूँगा कि आपको गाड़ी चाहिए ना भोकाल चाहिए तो भाई आप स्कॉर्पियो एंड बिल्कुल आपके लिए बेस्ट चॉइस है, और ब्लैक कलर में दे सकते हो वैसे तो, बट ब्लैक कलर में काफ़ी सारे इसके नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, बट नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे हैं।
वही आपको गर्मी से थोड़ा कॉम्बो के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई आज के लिए बस इतना, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।